अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं फ्रूट केक। तो चलिए जी बनाते हैं। सबसे पहले हम पैन लेंगे, इसको हम ऑयल लगा के ग्रीस करेंगे और बटर पेपर रखेंगे इसमें, उसको भी ऑयल लगा के ग्रीस करेंगे अच्छे से। सारा पैन हमारा रेडी हो चुका है, इसको हम साइड पे करेंगे। अब हम एक बाउल लेंगे, उसमें डालेंगे अशरफियाँ। मैंने ग्रीन कलर की ली हैं और रेड कलर की ली हैं, इनको बारीक बारीक काट लिया है। अब डालेंगे इसमें ज़ाशिक, कटिंग किए हुए आलमंड डालेंगे, थोड़े थोड़े मैंने गार्निश के लिए बचाए हैं। इनको मिक्स करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच मैदा और मैदे को कोट कर देंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं। इनको भी अच्छे से मिक्स करेंगे और साइड पे कर देंगे। अब हम एक एम्प्टी बाउल लेंगे, उसमें रूम टेम्परेचर का मक्खन डालेंगे और इसको बीटर की मदद से बीट कर लेंगे। मक्खन को हमने इतना बीट करना है कि ये फ्लफ़ी हो जाए। अब इसमें हम शुगर ऐड करेंगे 1 कप। अगर शुगर मोटी है तो आप इसको पीस लेंगे, अगर बारीक है तो ऐसे ही आप यूज़ करेंगे। अब इसको हम बीट करेंगे शुगर को और मक्खन को। शुगर डिज़ोल्व हो चुकी है। अब इसमें हम अंडा डालेंगे, 1 अंडा तोड़ के डालेंगे। अंडा एक एक करके डालेंगे इसमें। 3 अंडे शामिल करूंगी मैं इसमें और इसको बीट कर लेंगे। दूसरा अंडा तोड़ेंगे, डालेंगे और फिर इसको बीट करेंगे। अच्छे से इसको बीट करेंगे यकजान होने तक। अब इसमें हम वनीला एसेंस डालेंगे 1 टीस्पून, इसको भी बीट कर लेंगे। मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। अब हम एक सीव लेंगे, उसमें 1 कप मैदा डालेंगे, 1 टीस्पून भर के डालेंगे इसमें बेकिंग पाउडर, 1 चुटकी नमक डालेंगे और इसको हम छान लेंगे। अब स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स करेंगे ताकि ये उड़े नहीं, और बीटर की मदद से अगेन इसको बीट कर लेंगे। 1/2 कप इसमें दूध शामिल करेंगे, थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करेंगे, एक दफ़ा ही सारा नहीं डालेंगे। अब इसमें हम 1 चुटकी येलो कलर डालेंगे। अगेन इसको बीट करेंगे। मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। इसमें अब हम अशरफिया डालेंगे जिनको हमने कोट करके रखा था मैदे में। इसको हम स्पैचुला की मदद से फोल्ड करेंगे। मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है, इसको हम पैन में डालेंगे और 180 पे हम इसको बेक करेंगे। सॉरी, मैं वो क्लिप रिकॉर्ड करना भूल गई। फ्रूट केक हमारा रेडी है, इसकी अब हम कटिंग करेंगे। सॉरी जी, आप इन आवाज़ों को अवॉइड करें क्योंकि पीछे काम हो रहा है तो उसकी आवाज़ें आ रही हैं। ये आप देख सकते हैं कितना फ्लफ़ी बना है, ये कितना सॉफ्ट है। आप भी इसको ज़रूर बनाएं और इंजॉय करें, फीडबैक ज़रूर दें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि सारी वीडियोस आपको मिल सकें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।